प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये लगातार छठा वर्ष है जब मध्य प्रदेश पूरे देश में अपराध में नंबर वन आया था। आईपीसी क्राइम के डाटा को हम देखें, आज ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने क्राइम इन इंडिया जारी की है। छठा वर्ष है जब हम न सिर्फ आईपीसी के क्राइम के साथ नंबर वन है, बलात्कार में फिर से हम नंबर वन पर आए हैं, माइनर चाइल्ड के साथ बलात्कार में नंबर वन आए हैं, कॉग्निसेबल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में नंबर टू आए हैं, आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचार में नंबर वन आए हैं, महिला और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ में भी चौथा वर्ष है जब हम नंबर वन आए हैं। इस बार मध्य प्रदेश जो बाहर से लाकर देह व्यापार कराया जाता है, ऐसी बच्चियां जो 21 वर्ष से कम है उनके तहत घटित अपराध में भी नंबर वन है और 53% अपराध अकेले मध्य प्रदेश में घटित हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के रीढ़हीन नेतृत्व का परिचायक है कि मध्य प्रदेश लगातार अपराधी मध्य प्रदेश का मान मर्दन करने पर आमादा है और नेतृत्व है कि आत्मभूत होकर आत्म केंद्रित होकर स्वयं के प्रचार मात्र में लगा है। कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है और एक सकारात्मक सुझाव भी राज्य सरकार को देगी और जन आंदोलन जल्द ही इस विषय पर नजर रखेगा।